नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के बरार स्क्वायर शमशान घाट पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई। अब हमारे दिमाग में सवाल आता है कि आखिर दिवंगत जनरल बिपिन रावत को 21 तोपों की बजाय 17 तोपों की सलामी क्यों दी गई? उन्हें तो 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। देखिए, तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पूरे राज के सम्मान के साथ दोनों बेटियों ने, कृतिका और तारिणी ने, अंतिम संस्कार किया। जनरल बिपिन रावत को पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 तोपों की सलामी दी गई। तोपों की सलामी को लेकर लोगों के मन में अक्सर यह सवाल उठते कि आखिर यह क्यों दी जाती है, इसके पीछे की वजह क्या है। देखिए, सम्मान का प्रतीक है सलामी। यह सम्मान देने की एक प्रक्रिया है जिसका फैसला सरकार करती है, किसे राजकीय सम्मान देना है किसे नहीं। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस सहित कई अन्य मौकों पर तोपों की सलामी दी जाती है। विशेष मौकों पर तोपों की सलामी देकर सम्मान दिया जाता है। वहीं भारतीय सेना के सैन्य सम्मान उन सैनिकों को दिया जाता है जिन्होंने शांति अथवा युद्धकाल में अपना विशेष योगदान दिया हो। राजकीय सम्मान में भी तोपों की सलामी दी जाती है। भारत में गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 17 तोपों की सलामी हाई रैंकिंग सेना अधिकारी, नेवल ऑपरेशन के चीफ और आर्मी और एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ को दी जाती है। भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद नया है। चूंकि यह पद सेना से जुड़ा हुआ है, इसलिए उन्हें भी 21 की नहीं बल्कि 17 तोपों की सलामी दी जाएगी। कई मौकों पर भारत के राष्ट्रपति, सैन्य और वरिष्ठ नेताओं के अंतिम संस्कार के दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अब सवाल यह आता है कि भारत में तोपों की सलामी की परंपरा कैसे शुरू हुई? तो आप लोगों को बता दें कि भारत में तोपों की सलामी की परंपरा ब्रिटिश राज से शुरू हुई थी। उन दिनों ब्रिटिश राज को 100 तोपों की सलामी दी जाती थी। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, कनाडा सहित दुनिया के कई देशों में इन राष्ट्रीय दिवसों पर 21 तोपों की सलामी की परंपरा रही है। कहा यह भी जाता है कि तोपों की सलामी देने का प्रचलन 14वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। उन दिनों जब भी देश की सेना समुद्र के रास्ते किसी देश में जाती तो तट पर 7 तोपें फहर दी जाती थी। उनका मकसद यह संदेश पहुंचाना था कि वो उनके देश पर हमला करने नहीं आए हैं। उस समय यह प्रथा रही थी कि हारी हुई सेना को अपना गोला बारूद खत्म करने के लिए कहा जाता था, जिससे वो उसका फिर इस्तेमाल नहीं कर सके। जहाजों पर 7 तोपें हुआ करती थी क्योंकि 7 की संख्या को शुभ माना जाता था। तो दोस्तों, अब आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा कि आखिर जनरल बिपिन रावत को 21 तोपों की बजाय 17 तोपों की सलामी क्यों दी गई। साथ के साथ आपको पता चल ही गया होगा कि भारत में तोपों की सलामी की परंपरा कैसे शुरू हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखना। टेक केयर।